माननीय राज्य मंत्री अभियान के संयोजक, अभियान के संस्थापक राज्य मंत्री श्री अमरजीत मिश्रा जी के द्वारा। तालियों की गड़गड़ाहट बहुत कम लग रही है। इतनी तो थैंक्स मैं अमरजीत को कहूंगी कि मैं तो शायद 25-26 साल से देख रही हूँ कि संस्कृति को जागृत रखने के लिए इसलिए इन्होंने इतनी ज़्यादा कोशिश की है और काफ़ी सफल भी हुए हैं। तो बस यही के साथ आप लोग आनंद उठावें सुरेश शुक्ला जी के गीतों का और आगे आनंद लें। बस धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। मेरी जड़ें जहां पर थी मैं अपनी जड़ों को भूली नहीं हूं और मेरी जड़ों की सामने मुझे सम्मान मिल रहा है, मैं बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। विधायक है, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें, क्योंकि अभी तक बम बम बोल रहा है काशी, हम सुनते रहे हैं, लेकिन जब से मोदी जी प्रधानमंत्री हुए हैं तब से हिंदुस्तान की बम बम पूरी दुनिया में है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि पहले सत्कार हो आदरणीय मंत्री महोदय का। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें उनका। हमारे छोटे से निवेदन पे वे मुंबई आ गए। डिजर्व करती हैं तो ये सम्मान माननीय मंत्री जी की तरफ से रेखा जी का। रेखा भारद्वाज जी, पति और पत्नी दोनों जन मिलकर भारतीय फिल्म संगीत की जो सेवा कर रहे हैं मित्रों, ये हम लोगों को, हम उससे वाकिफ हैं। इसलिए आज रेखा भारद्वाज जी को हमने निमंत्रित किया। वे सहज रूप से साहित्य और संगीत की सेवा करने का काम करती हैं और इसलिए उन्होंने बड़ी सहजता के साथ हमारे निवेदन को स्वीकार किया। और काशी से जो विधायक हैं शिवपुर के, भगवान शिव की नगरी काशी, और उसने भी शिवपुर के विधायक भाई अनिल राजभर मुंबई आते हैं हम सब से मिलने के लिए। मैं आप सबका, मिठाई लाल सिंह जी, मुंबई में उत्तर भारतीयों का इतिहास लिखा जाएगा तो मिठाई लाल सिंह जी के बिना अधूरा रहेगा। और मैं वर्षों पुराना एक गीत है जिसकी चार पंक्तियां मैं पढ़ता हूं कि अपनी झीलें नदियां पर्वतमाला कैसे दे देंगे, दुनिया भर की रूप सुधा का प्याला कैसे दे देंगे, वैष्णो देवी वाला अमर उजाला कैसे दे देंगे, अमरनाथ का बोलो पुण्य शिवाला कैसे दे देंगे। अरे झेलम से मिलने को गंगा का बेचैन किनारा है, काश्मीर मत मांगो पूरा पाकिस्तान हमारा है। और उसको खली भूत करने के लिए मौजूदा सरकार जैसा काम कर रही है। आज का दिन कजरी भी सुनिए, भांगड़ा भी नाचिए
और हिंदुस्तान के पूर्व से पश्चिम को और पश्चिम से पूर्व को, उत्तर से दक्षिण को जोड़ने का एक नया पराक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। हम लोगों ने वल्लभ भाई पटेल को नहीं देखा होगा, लेकिन आज जब अमित भाई शाह दोनों सदनों में प्रस्ताव रख रहे थे तो मुझे लगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इसी तरह के रहे होंगे। ये पराक्रम जिस तरह का हुआ है, मैं आज इस सदन में बादलों को, बारिश को शिकस्त देकर, सारे पूर्वाग्रह पूर्वानुमान को शिकस्त देकर जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उन सबको प्रणाम करता हूँ और बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आदरणीय अनिल राजभर जी का स्वागत भी करता हूँ, सुमिता जी का भी स्वागत करता हूँ कि उन्होंने इतना शानदार कार्यक्रम आज हम सबको आयोजित करके दिखाया है, और रेखा भारद्वाज जी का भी ऋणी हूँ कि वे इस समारोह में आई हैं। मैं सीधे सीधे मंच माइक उन्हें देता हूँ। आदरणीय रेखा भारद्वाज, और लगता है कि सही रास्ते पे चल रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, तो और अच्छे से और मन से और मेहनत करके अपना काम करने की एक हमको प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया। रेखा जी से गीत नहीं सुनना चाहिए? बिल्कुल सुनना चाहिए, आप लोग फरमाइश रखिए भाई। मैं उनका भी, और विशेष तौर पर मैं काशी की तरफ से और ख़ास तौर पे पूर्वांचल की माटी की तरफ से आदरणीय रेखा जी का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और इस पूरे आयोजन में सहयोग करने वाले सभी सदस्यों का, और अपनी लोक संस्कृति अपनी परंपराओं के प्रति इस तरह से आदर और सम्मान रखने वाले आप सब लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी माँ बहनों का भी, सभी बुजुर्गों का भी, सभी नौजवानों का भी, मैं उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। आप सभी अभी मैं अमरजीत भाई से अपनी शिकायत दर्ज कर रहा था, अगर कुछ पहले हमें ये पता होता कि इस तरह का आयोजन है तो निश्चित तौर पर कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर और समापन तक मैं यहाँ पर बैठना चाहता, लेकिन थोड़ी सी परेशानी है, सार्वजनिक जीवन में रहने वाले आदमी के पास समय की थोड़ी, जब हम लोग उतना दूर से आते हैं तो अपना सोचते हैं कि एक एक मिनट किस तरह से सार्थक बनाएं, उसका सदुपयोग करें, तो थोड़ी व्यस्तता है जिसके नाते मुझे जाना पड़ेगा। नहीं, बस एक चीज़ है कि आगे जब कभी भी मुझे लगता है राधा आजाद, लेकिन आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर नेता, परम पूज्य हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और निश्चित तौर पर अमरजीत भाई कह रहे थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन हमारे वर्तमान के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय अमित भाई शाह ने जिस मजबूती के साथ देश की पार्लियामेंट में आज इतिहास बनाने का काम किया है, आज पूरा देश उसको अपने आप को जोड़ रहा है और गर्व की अनुभूति कर रहा है, पूरे देश में आज उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इस ऐतिहासिक क्षण को भी महसूस करने की ज़रूरत है, और निश्चित तौर पे एक बड़ा संयोग यहां पर बैठा है। मैं इसी उम्मीद के साथ अपनी बात को मैं रुकना चाहता हूं कि जो आप लोगों का इस तरह से अपनी लोक संस्कृति को बचाने का जो आप लोगों का प्रयास है, ये प्रयास आगे भी चलता रहेगा, हम सब लोग इसी तरीके से एक दूसरे के साथ बैठकर और ऐसे उत्सव मनाते रहेंगे। मैं एक बार पुनः यहाँ बुलाने के लिए, आप लोगों के साथ जोड़ने के लिए बड़े भाई अमरजीत मिश्रा जी का दिल से आभार प्रकट करते हुए और आदरणीय सुमिता जी को इस अच्छे कार्यक्रम के लिए बधाई देते हुए अपनी बात को मैं रोकता हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, धुआंधार बैटिंग इस देश के श्रद्धेय गृह मंत्री जी राज्यसभा और लोकसभा में कर रहे हैं। मैं नहीं समझता हूं कि इस पर बहुत कुछ विस्तार से आज अभी बोला जाए, कल लोकसभा में ऐतिहासिक फैसला होगा। इतना जरूर कह सकते हैं कि पूरे देश में आज एक उत्सव का माहौल बन गया है। आज देश ही नहीं, दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है
कि कश्मीर आज पूरी तरीके से आज़ाद हो गया है। जैसे देश के अन्य हिस्से विकास के पथ पर अग्रसर हैं, उसी तरीके से कल के बाद कश्मीर भी देश के अन्य हिस्सों के साथ कदम से कदम मिलाकर विकास के रास्ते पर तेज़ी से दौड़ेगा और पूरे देश को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाने का काम करेगा। जिस प्रकार से अमरजीत महोत्सव की बात करें तो एक दशक से ज़्यादा हो चुका है अभियान का, एक कजरी महोत्सव का जो आप भी इसके हिस्सा बने। आपने कहा है कि कहीं ना कहीं अमरजीत मिश्रा ने सभ्यता संस्कृत और मिर्ज़ापुर और बनारस की जो पूर्वांचल कजरी है उसको जीवंत रखा है, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैंने अमरजीत मिश्रा जी को भी, आदरणीय सुमिता जी को भी, यहाँ आई देश की मशहूर कलाकार आदरणीय रेखा जी को भी, और इस आयोजन करने वाले एक एक जो सदस्य हैं उस कमेटी के जो मेंबर हैं सबको हमने बधाई दिया। और निश्चित तौर पे ये बड़ी बात है कि 1000 किलोमीटर दूर आकर अपनी माटी की पहचान, अपनी लोक संस्कृति, अपनी परंपराओं का इस तरह से प्रसार करने का जो प्रयास हो रहा है, उस प्रयास का हम दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पूर्वांचल वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो महिलाओं को सम्मानित किया गया है, ये कितना अच्छा रहा इस कार्यक्रम में जो उन्होंने महिलाओं को सम्मानित किया, उनके संस्कृति? बिल्कुल, ऐसे कार्यक्रमों से प्रेरणा मिलती है और जो सम्मानित करने का प्रयास कमेटी ने किया है उसका भी स्वागत करना चाहिए। इससे अन्य जो हमारी माँ बहनें आई हैं कार्यक्रम में वो भी प्रेरित होती हैं और जो लोग समाज सेवा में पहले से लगी हैं उनका मनोबल बढ़ता है। अनिल जी, पूर्वांचल के भारी संख्या में लोग आए हैं जो कजरी को लोकप्रिय बनाने में, मतलब पूर्वांचल से ही कजरी निकली है मिर्ज़ापुर से, तो पूर्वांचल वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? पूर्वांचल वासियों के लिए अपने बनारस, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, गाज़ीपुर, भदोही, पूरे पूर्वांचल, पूरे उत्तर प्रदेश, आधा पश्चिम बिहार, सभी लोगों से मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारी ये परंपरा की थाती है, इसको जिंदा रखना हम लोगों का दायित्व बनता है और इसी तरीके के आयोजन हम लोगों को आगे भी करते रहने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी है तो मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है। कहाँ लेके जा रहे थे? सूरज जी आप भी खड़े हो जाएंगे साथ में? भाई आराम से। सूरज जी आप भी खड़े हो जाइए, बना चलो विजुअल बनाए। जी सर क्या कहेंगे? राजेश 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 जी बोलेंगे। एक तो श्रावण के महीने में और भी सोमवार के दिन में ये जो कजरी महोत्सव का जो आयोजन यहाँ पर हुआ है, एक तो अभियान संस्था और महाराणा प्रताप सेवा मंडल, ये जो संस्था है वो बधाई के पात्र है। आज मुंबई जैसे शहर में एक तो लोगों का मनोरंजन का नज़रिया बदल गया है, जैसे आप जैसे दूरदर्शन वाले बच्चों को या परिवार को एक होते हुए भी एक दूसरे के साथ बात नहीं करते हुए आपका दूरदर्शन देखते रहते हैं, लेकिन अपनी मिट्टी की खुशबू और अपने गाँव की याद और अपने गाँव की संस्कृति इस माया नगरी में आकर वो सुनने का और उसका अनुभव करने का जो काम इन दो संस्थाओं ने किया है, और हमारे उत्तर भारत के सभी भाई बहन इस कार्यक्रम में जोर शोर से आकर यहाँ पर सम्मिलित हुए, मैं मानता हूँ उनकी भीड़ ही इस कार्यक्रम को यशस्वी का सर्टिफिकेट दे रही है। अपने गांव की मीठी मीठी खुशबू, भीनी भीनी खुशबू, अपने गांव की यादें आज इस कजरी महोत्सव में ताज़ा हुई। हालांकि इस महोत्सव को अच्छा रूप देने के लिए, इस महोत्सव को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन कार्यकर्ताओं का बड़ा योगदान है जिन्होंने ये मेहनत करके अपने उत्तर भारतीय सभी परिवारों को एक छत के नीचे यहाँ पर हर साल लाते हैं। मैं कामना करता हूँ इस कजरी महोत्सव के साथ साथ आप उनमें भाईचारा बढ़ाने का जो अच्छा पवित्र काम कर रहे हैं आगे भी करें, और हमारी तरफ से जो कुछ योगदान रहे तो हमें भी अगले साल से आप इस आयोजन में अपना ही हिस्सा समझकर हमें भी इस योगदान कार्यक्रम के योगदान में सहभागी कर ले। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है, आज के इस कजरी महोत्सव में हमारे देश ने जो 70 साल की प्रतीक्षा थी
उसको ख़त्म करने का काम हमारे भारत की जनता ने किया हुआ है। हमारे नेताओं ने तो किया है, लेकिन भारत की जनता अगर वोटिंग बूथ पर नहीं जाती और सही पार्टी को चुनकर नहीं देती तो आज का ये स्वर्ण अक्षर से लिखा हुआ दिन शायद हमको और कुछ साल लगते थे, लेकिन हमारी भारत की जनता ने एक ठोस निर्णय लेकर जो मजबूत सरकार दी उसका नतीजा ये है कि आज 70 साल से जो प्रलंबित 370 धारा थी आज निकल गई और अपने भारत के कश्मीर को एक मानो आज़ादी मिल गई। आइए आज इस कजरी के महोत्सव में हम सब भारतवासी खुश होकर अपने भारत माता का जयकार करें और फिर से एक बार इन दोनों संस्थाओं को मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आगे भी आप ऐसे ही सांस्कृतिक कार्य करते रहें और लोगों को जोड़ते रहें। भारत माता की जय। सारे लोग मिठाइयाँ बांट करके वो खुशियाँ मना रहे हैं जो कश्मीर में आज हमारे केंद्र सरकार ने निर्णय लिया। हम लोग इस भाग्यशाली हैं कि जो इस चीज़ को देखने को सामने पा रहे हैं। पीछे हमारे जो वंशज आएंगे वो लोग भी याद करेंगे इस इतिहास को, जो आज सबसे बड़ा ऐतिहासिक दिन है। इसी के साथ में सरकार, मोदी सरकार आगे बढ़े, हम सब पूरे भारतवर्षी उनके साथ में हैं। भारत माता की जय। कजरी का आयोजन तो हर वर्ष होता है और ये कई वर्षों से होता आ रहा है, लेकिन इस कजरी के महोत्सव की आज की बात ही कुछ अलग है, क्योंकि एक काशी के से लड़के, चुनाव लड़के और देश के प्रधानमंत्री बन के, और उन्होंने आज के दिन कश्मीर को विजय बनाया है। जब देश भारत हमारा विजय हुआ था तब तो हम देखने के लिए वहाँ पर नहीं उपस्थित थे, लेकिन आज कश्मीर जब आज़ाद हुआ है तो ज़रूर हम उस दृश्य को देख रहे हैं। पूरा भारत खुशी से झूम रहा है और इस कजरी के महोत्सव में मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि ये कजरी हमारे देश के लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि हम आज के दिन बहुत सारी मनोकामनाएँ करते हैं, बहुत सारे मिलके गाने गाते हैं और बहुत सारे शुभ संकेत भी देते हैं ताकि भविष्य हमारा, देश हमारा पूरा सुरक्षित हो, उन्नत की तरफ।